तो खबर है बिहार से, जहां पर कि विद्यालय में बैठने की व्यवस्था और अन्य जरूरी सुविधाएं नहीं होने के कारण गुस्साए वैशाली की छात्राओं ने विजिट में आए शिक्षा पदाधिकारी साहेब की गाड़ी को लाठी डंडा और ईंट पत्थर से मार मार कर कचुंबर बना दिया। ये पूरी घटना है बिहार के वैशाली जिले से, जहां पर की छात्राओं के हंगामे के बाद महनार के सीओ और पुलिस ने वहां पहुंचकर छात्राओं को समझाने बुझाने का काफ़ी प्रयास किया, लेकिन प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी अहिल्या कुमारी भी मौके पर पहुंची थी, लेकिन अधिकारियों के समझाने से छात्राएं पहले शांत हुई, लेकिन अचानक उनका आक्रोश फिर से एक बार भड़क गया। मामला शांत होने के बाद छात्राएँ फिर से आक्रोशित हो गई और सड़क पर खड़ी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी की गाड़ी को लाठी डंडों और ईंट पत्थर से मारकर पूरी तरह क्षतिग्रस्त कर दिया। इसके बाद महनार के एसडीओ नीरज कुमार, एसडीपीओ प्रतीश कुमार महनार, थाना अध्यक्ष संजय कुमार, बीडीओ बसंत कुमार सिंह वहां पहुंचे और छात्र छात्राओं को काफ़ी समझाने बुझाने का प्रयास किया। साथ ही प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी अहिल्या कुमारी ने बताया, उन्हें जब प्रदर्शन की सूचना मिली तो मौके पर पहुंचकर छात्राओं को समझाने बुझाने का प्रयास कर रही थी, लेकिन इसी दौरान उनकी गाड़ी पर पथराव शुरू कर दिया और गाड़ी को पूरी तरह से क्षतिग्रस्त कर दिया। और दूसरी तरफ देखें तो बिहार सरकार के शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने सभी सरकारी स्कूलों में छात्र छात्राओं की 75% उपस्थिति अनिवार्य कर दिया है। साथ ही 75% से कम उपस्थिति वाले बच्चों का नाम काटने से लेकर फॉर्म भरने से रोकने तक का फरमान भी जारी कर दिया है। लेकिन इससे पहले वैशाली के छात्राओं ने एक बिहार में इतिहास शायद दोहरा दिया और इससे हमारे बिहार के नेताओं को और उच्च अधिकारियों को थोड़े सोचने समझने की ज़रूरत है, जिससे कि यहाँ के शिक्षा व्यवस्था को सुधारा जा सके, यहाँ का डिसिप्लिन को सुधारा जा सके, ताकि बिहार का भी एक अपना अलग पहचान हो।